सब कुछ ठीक चल रहा था कि केसरी के संपादक बाल गंगाधर तिलक को राष्ट्रद्रोह के आरोप में जेल भेज दिया गया। देश भर में गुस्से की लहर थी। रविंद्रनाथ भी आजादी के आंदोलन में कूद पड़े। कलकत्ता की विशाल जनसभा में उन्होंने झकझोरने वाला भाषण दिया और क्रांतिकारी लेख कंठरोध पढ़ा, तिलक की रिहाई के लिए आंदोलन चलाया और सड़कों पर फंड इकट्ठा किया। आजादी का आंदोलन जोर पकड़ रहा था और रविंद्रनाथ भी जोश से भरे हुए थे। नई शताब्दी दस्तक दे रही थी। पुरानी सदी को विदाई देते हुए उन्होंने लंबी कविता सदी का अंत लिखी। नए साल में ही रविंद्रनाथ की अमर कृति शांति निकेतन की शुरुआत हुई। आज शांति निकेतन दुनिया के बेहतरीन शिक्षा संस्थानों में से एक है, लेकिन इसकी कहानी हम देखेंगे आगे। अभी चलते हैं रविंद्रनाथ की अपनी जिंदगी में। नई शताब्दी के पहले साल उनके दो बेजोड़ उपन्यासों नष्ट नीड और चोखेर बाली ने लोगों का दिल जीत लिया। नष्ट नीड पर बनी फिल्म चारुलता आज भी बांध लेती है। आमी चीनी गो चीनी तुमारे ओ गो विदेशिनी, तुमी थाको सिंधु पारे, तुमी थाको सिंधु पारे ओ गो विदेशिनी, ओ गो विदेशिनी। चारुलता कोई मुझे नहीं लगता ऐसा भी होगा जिसने चारुलता फिल्म देखी होगी और मुग्ध नहीं हो गया होगा। जिस तरीके से वो दिखाते हैं वो सिर्फ चारुलता का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, वो बिल्कुल मॉडर्निटी और ट्रेडिशन का जो एक कॉन्फ्लिक्ट है, टेंशन है, खिंचाव है, द्वंद, ये सारी चीज़ें उसमें बहुत सुंदर तरीके से आती हैं। लेकिन किस्मत रविंद्रनाथ के कुछ और इम्तिहान लेना चाहती थी। एक साल ही बीता था कि पत्नी मृणालिनी गंभीर रूप से बीमार हो गई। रविंद्रनाथ ने उनकी दिन रात सेवा की। आखिरकार 23 नवंबर 1902 को कलकत्ते में मृणालिनी 20 साल की गृहस्थी को अलविदा कर अपने आखिरी सफर पर चली गई।